विप्रेन्द्र पिता महेशो हंसाधिरूढ़ त्रिदशैक वंद्यो श्वेतोद्बला भास कुशं हस्तं गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते नमो नमस्ते स्फटिक गर्भायो शुश्रीषहाराय सुमंगलायो सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते मन भव पुष्पांजलिं समर्पयामि अनलया पूज्या सवर्ण ब्रह्म संघ कवि समर्षण देवता शांता परिवार प्रियंता प्रसन्ना वरदा भवतु ज्योतिरूपात्मने परमात्मने नमः अखंड दीपस्य देवाय नमः शुक्लोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्प धूप दीप नैवेद्यं मृदु फल पदांबूलं द्रव्य दक्षिणादिकं च समर्पयामि नमः स्मरोमि करकलिभ कपाल कुंडली गंध पाणि स्तरुगति मृदिन्द व्यानि यज्ञो भवीति रत समय समर्या विच्छेद हेतु जयति पंडुकनाथ सिद्धिदास साधकामि ओम गमीशा जगत सुगति धियन्ते नवमवसे भूमहे वयम् मा भूघानो जथावे दशाम समुदे रक्षिदाताय दत्तः स्वस्तये भूर्भुवस्व ईशानाय नमः ईशानं पूजयामि ओम प्रादारं नमः विदारं नमः हवे हवे शवरं सौरमिन्द्रं वाहयामि शक्रं बृहोदमिन्द्रं सुनो भगवा धातिन्द्रः भूर्भुवस्व इन्द्राय नमः इन्द्रं पूजयामि ओम तन्नो अग्नितम देव वाय भीम घोरोर्व तन्मस्य वन्द्यो त्रयधा तोकशतनय गवापसनि मेघ गोरक्षमाण स्तौरते भूर्भुवस्व अग्नये नमः अग्निं पूजयामि ओम जमाय दांगिनि सुते पितृमदे स्वाहा स्वाहा कर्माय स्वाहा कर्मा पितरे भूर्भुवस्व यमाय नमः यमं पूजयामि ओम शमानाय ब्रह्मोगी भूर्भुवस्व वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि ओम मानो दुग्धि सदिने भिरधर गोसहस्रै भिरुभयाय जम्मा वायु वायु अस्मिन् समने वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शरशिरुहेक्षणं सहारवक्ष स्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं श्री परमात्मने नमः महाविष्णवे नमः ओम कपिलस्त्रिप्यताम् ओम आसुरिस्त्रिप्यताम् ओम आसुरिस्त्रिप्यताम् ओम वोढुस्त्रिप्यताम् ओम वोढुस्त्रिप्यताम् ओम पञ्चसिकस्त्रिप्यताम् ओम पञ्चसिकस्त्रिप्यताम् यज्ञोपवीतम् अपसत्यम् हत्वा मनसा सन्तनु विरगनमहि मनसा सकुं शिवेनो तुष्टासुतत्रोधायुर्नुमाश्रुतङ्गो जद्विनिष्ठं मो सुमित्रियान आप उपदय सन्तु सुमित्रियान आप उपदय सन्तु सुमित्रियान आप उपदय सन्तु सन्त दुर्मिस्त्या तस्मे सन्त ज्योस्मान् दृष्टिजन् चवयन् निग्मः
हस्ते जलमादायो हाथ पे जल ले लेना सब लोग बोलेंगे अनेनो कृतेनो यथाशक्ति देव ऋषि मनुष्य पितृ स्वपितृ तर्पणा खेन कर्मणा मम समस्त पितृस्वरूपी नारायणः वासुदेवः प्रीयताम् नमः जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री
उत्तराखंड को वास जन्म जन्म मुझे दीजिए उत्तराखंड को वास लोकाभिराम करने की आवश्यकता होती है। पानी शुद्ध होनी चाहिए और जय श्री राधे का शब्द आपके मुख में होना चाहिए और जब जय जयकार आप भगवान के करते हैं तो मेरा यह गाना बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो आइए सबसे पहले आज विश्व योग दिवस है और योग एक ऐसी साधना है जिससे शरीर के सारे रोग मिट जाते हैं। तो सभी लोग प्रेम से हाथ जोड़ करके और जितनी आपकी सांस चले उतना सबसे पहले अपने अंतःकरण के लिए ओम का उच्चारण सब मेरे साथ करेंगे। सब हाथ जोड़िए और भगवान का ध्यान आपके मन में और ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने मात्र से ही सारे बंधन और सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। तो आइए मेरे साथ सारे एक मिनट के लिए ओम का उच्चारण करेंगे।
नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे और इसी के साथ अपने मन और वाणी को परमात्मा के संकीर्तन के द्वारा निर्मल व शुद्ध करें। तो आइए सब ताली बजा करके उस गोपाल का, उस द्वारिका नाथ का स्मरण करेंगे कि भगवान जो भी मेरी सांस चले और जो भी सांस निकले और जो भी सांस वापस आए उसमें बस तेरा ही तेरा नाम हो, अन्यथा कोई भी दुर्गुण कोई भी बुराई मेरी सांसों में मेरे मुख में ना रहे। तो आइए बड़े प्रेम से हरी सांस हो सुनीरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस मेरा
गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की, माधव सरकार की, नागराज भगवान की, नरवनाथ भगवान की, शंकर भगवान की, जगत जननी जगदम्बा मैया की, भक्त और भगवान की, श्रीमद भागवत महापुराण की, श्री व्यास देव भगवान की। ओम नमः पार्वते पते हर 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 महादेव हर। परम मंगलमय प्रात परे अकारण अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक चराचर सुख करता, आंगन आंगन नाच करता, लक्ष्मी भरता, समस्त पाप रोग संताप दुख हरता, भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आज हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन, एक जन्म का भाग्य नहीं अपितु जन्म जन्म के पुण्य जब एक साथ उदय होते हैं तो ही ऐसे सामूहिक कार्य इतने प्रेम से निभाए जाते हैं। और आप लोगों का ये भाव कि मेरी जितनी भी माताएं हैं इतना प्रेम से कथा का रसपान, कोई किसी से बात नहीं करना, कोई हिलना डुलना नहीं, बस तप में बैठे रहना और भगवान की कथा सुनना। मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि ये भाव आपको एक दिन अच्छा सुख प्रदान करेगा। अगर ऐसा भाव बना करके आप बैठे हैं, बहुत दूर दूर तक माताएं बैठी हैं लेकिन इतने भाव से सुनते हैं, अवश्य इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे बड़ी बात, सबसे दुर्लभ क्या है, मनुष्य तन पाना। जब जन्म जन्मांतरों के असहनीय कष्ट हम भोग करके अनेकों यातनाएं सह करके जब ये देह शुद्ध हो जाती है, जैसे सोने को खाने से निकाल करके तपा करके उसको शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार से ये देह भी शुद्ध होती है। और अगर ये देह पा करके फिर वही मलिन होने जाना है, यानी भगवान की कथा से बाहर जाना है, तो फिर वही का वही। क्यों? ये मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषो देहो, ये देह बहुत दुर्लभ है लेकिन फिर भी क्या, देहिनाम क्षण भंगुरा, एक क्षण भंगुर की ये प्राण है ना, ये प्राण कब जो है फकीरू हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई इस चीज को जानता ही नहीं। अगर भगवान ने कुछ छुपा रखा है सत्य, तो ये मृत्यु ही छुपा रखी है। कई सेंटेंस जो ये सेंटेंस है, कई उपाय कर दिए कि ये है क्या चीज, लेकिन इसको आज तक कोई बता नहीं। क्यों? ये मेरे ठाकुर ने बना रखा ये पूरा। देहिनाम क्षण भंगुरम, अरे तत्रापि दुर्लभम मन्ये। पहले तो मानव शरीर पाना दुर्लभ है, फिर अगर एक बार के लिए ये शरीर मिल भी गया, ये देह मिल भी गई, तत्रापि दुर्लभम मन्ये, फिर भी दुर्लभ क्या है, सबसे दुर्लभ क्या है,
ये देह पा करके भी और ये वैकुंठ नाथ भगवान को प्राप्त न करें। जब तक इसको प्राप्त नहीं करेंगे ये देह का कोई औचित्य नहीं। इसलिए सारी माताएं कभी भी, मैं चार दिन से देख रहा हूं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करती। धन्यवाद करता हूं मैं व्यासपीठ से आप लोगों को, प्रणाम करता हूं। और आज मेरे ठाकुर भी आने वाले हैं तो ठाकुर का स्वागत बड़ी धूमधाम से और एकाग्रचित होकर के यहां पर इस कोट ग्राम में जो ये हमारी श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ समिति और जो दिल्ली से इसको जो है बहुत ही अच्छा रूप बना करके देते हैं, जब बात चल रही थी चंदन सिंह रावत जी कहने लगे मेरे को भाई की गुरु जी, मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं करना, नजदीक हो मैं ना कुछ नहीं, सब यही हो जाएगा। ऐसे जो है इनका स्नेह है भाई चंदन सिंह रावत जी का, हमारे यहाँ पर बैठे हुए पूज्य बड़े भाई बामदेव जी, जिन्होंने कि बस पीछे नहीं हटना है, पीछे बैठे हुए हमारे श्री महावीर प्रसाद भट्ट जी, यहाँ बस गुरु जी बस लकड़ियां भी आप चिंता न करो, बस यहाँ चकाचक चल रहा है। क्या भाव इतना सुंदर है भाई देवेंद्र, दिख नहीं रहे क्या पता, पीछे तो इस बार चले गए हमने। और भाई देवी प्रसाद जी का तो कहना है 24 बस नींद भी लेनी है तो बस गुरु जी के पास, और उठना भी है तो गए, बस ठाकुर पकड़ा हुआ है, ऐसा सुंदर भाव। और मेरे भाई राजेंद्र प्रसाद जी देखो आपके सामने जो है गुरु जी की फोटो लगी, इतने सज्जन आदमी मैं मिला हूँ, मेरे को ऐसे लगाते थे गले से, बेटा एक दिन तो बहुत बड़ा बनेगा, मैंने कहा आपके चरणों का आशीर्वाद रहना चाहिए। तो ऐसा सुंदर भाव, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे जो जग से बेड़ा पार है। अगर आपका ये भाव नहीं होता है तो आप मेरे ठाकुर के पास नहीं आते, क्यों आप भाव लेकर के इतनी दूर दूर से जो है इतनी सारी जनता यहाँ आ रखी, क्यों भाव लेकर के, हे परमात्मन सबको सुखी बना रहे, सबको खुश रख रहे। ऐसे मेरे परम पिता परमात्मा ये क्या है, कर सयति इति कृष्णा, इसका नाम है कृष्ण। और कृष्ण क्या नाम